नमस्कार दोस्तों, मैं YouTube चैनल आलमेक्स ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी जानकारी दूंगा। यह जानकारी से आप जो है जनहित जन कल्याण करना, किसी का बुरा नहीं करना, और इस जानकारी से आप जो है कोई भी डायन हो या मंत्र शक्ति का गलत उपयोग कर रहा हो, दूसरों को तकलीफ दे रहा हो और आपको ज़्यादा परेशान कर रहा हो, तभी इस जानकारी का जो है आप उपयोग करेंगे, वो भी जनहित जन कल्याण के लिए, ना कि अपने निजी स्वार्थ के लिए, दूसरों को तकलीफ देने के लिए इस जो जानकारी का उपयोग नहीं करेंगे। तो इस वीडियो में इसका पूरा जानकारी विधि आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं कुछ बात बोलना चाहूँगा आप लोगों से कि दोस्तों, मेरा YouTube बनाने का उद्देश्य जनहित जन कल्याण करना हो, सबका भला करना, यही मेरा उद्देश्य है, ताकि मेरे पास जो भी जानकारी हो उनको आपको देना और उनसे आप जो है जनहित जन कल्याण कर सकें, दूसरे को भला कर सकें। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे दिए हुए जानकारी से बहुत लोगों को सफलता मिली और उनसे उनको फ़ायदा हुआ। मेरे मंत्रों को मेरे मंत्र प्रभावी हैं, ये उनके द्वारा बताया गया, जान के अच्छा लगा कि चलो कि YouTube बनाया हूँ, उनसे किसी को भला हुआ, अच्छा हुआ। ये जान के थोड़ा मेरे दिल मेरे आत्मा को थोड़ा सुकून मिला, अच्छा लगा, कुछ मेरा उद्देश्य रास्ता जो है सही है। तो इसी तरह से मैं आपको आगे अच्छे अच्छे जानकारी दूंगा, ताकि यह जानकारी से आप जो है किसी दूसरे बाबा फ़कीर के चक्कर में ना पड़ें, आप स्वयं यह विधि करके जो है अपना जो है इलाज करें और दूसरों का भला करें, जिससे कि आपको जन धन की हानि ना हो। दूसरे के चक्कर में आकर के जो है आप हज़ारों रुपया जो पैसा बर्बाद करते हैं घर बनवाने के लिए या भूत प्रेत भगवाने के लिए, छोटा सा क्रिया करके आप ये सब परेशानी से मुक्ति पा सकते हैं, जबकि उनके पास जाने से आपको बहुत सारा जो है धन व्यर्थ में देना पड़ता है। तो इनमें जो भी जानकारी दूंगा वो प्रत्यक्ष होगा, प्रमाणित होगा, जिसे जिन जिन व्यक्ति ने इनका प्रयोग किया है वो तो बिल्कुल जान गए हैं, मान गए हैं। तो यह जानकारी मैं आपको बताऊंगा, इनके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप यह मंत्रों को जो भी विधि बताऊँ उसको एक बार प्रैक्टिकल करके देखें, तब आपको पता चलेगा कि मंत्र कितना प्रभावी है और कितना सही है। चलो अब चलते हैं आपको जानकारी की तरफ। तो मैं आज आपको जो भी जानकारी देने जा रहा हूँ उनका सही इस्तेमाल करना। एक बार मैं फिर बोल देता हूँ, अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेना, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो सबसे पहले आपको मिले। तो आज जानकारी मैं दूंगा, कोई भी डायन हो, कोई भी तांत्रिक हो जो गलत इस्तेमाल कर रहा हो, उनके जो है बुद्धि को बांधने का या उनके समस्त शक्तियों को बांधने का, छीन करने का एक तरीका बताऊँगा, ताकि उनके प्रयोग से वो किसी का बुरा ना कर सके और किसी को अहित ना कर सके। यह प्रतीक्षित और सरल विधि है, यह करके आप जो है उनके शक्तियों को और उनके मंत्र के प्रभावों को कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। यह उन व्यक्ति पर काम नहीं करेगा जो जनहित जन कल्याण करता हो, हमेशा सदैव सत का पालन करता हो और दूसरों का जन कल्याण करता हो। उनके ऊपर में आप यह प्रयोग करोगे तो उल्टा आपको ही इसका भुगतना पड़ेगा, आपको ही तकलीफ होगा। इसलिए जो दुष्ट हैं, जो दूसरों को तकलीफ पहुँचाए उन पर ही करें। कोई भी डायन हो, कोई व्यक्ति हो जो दूसरों को तकलीफ दे रहा हो, मंत्रों का अपने शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा हो, उनको करें। उनके लिए आपको क्या करना होगा, कोई भी शनिवार को दिन, कोई भी शनिवार हो, उसमें उस व्यक्ति का, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, अगर पुरुष हो तो दाएँ पैर का मिट्टी को उठा लेना है आपको, और पुरुष को हो तो दाएं पैर को उठाना है आपको बाएं हाथ से, और स्त्री हो तो बाएं पैर का मिट्टी उठाना है आपको दाहिने हाथ से। अगर आप स्त्री हैं तो आपको वही क्रिया उल्टा करना होगा, मतलब पुरुष का जो है आप लोगे तो आपका बाएं हाथ से और
स्त्री को हो तो दाएं हाथ से। इस तरह स्त्री पुरुष दोनों से कोई भी वर्ग हो इसको कोई भी कर सकता है। वो मिट्टी पैर के मिट्टी को उठाने के बाद में आप उसको कोई पीपल का एक पत्ता साफ हो सुथरा हो उनमें उस मिट्टी को रख दें जहाँ पर पूजा करते हैं वहाँ उस जगह में। यह क्रिया जो है शमशान घाट में या पूजा स्थल में किया जाता है। और उस मिट्टी को ला करके उसके पैर के मिट्टी को ला करके और पीपल के पत्ते में रख करके और आपको ज़रूरत पड़ेगा शमशान घाट की थोड़ी सी मिट्टी या फिर सूखे कुएं की मिट्टी या फिर कोई सूखे तालाब की मिट्टी, इन दोनों मिट्टी को ला करके दोनों को मिक्स कर देना है। या शमशान घाट का मिले या फिर सूखे कुएं या तालाब, इनमें से कोई एक। इस तरह आपका दो मिट्टी हो जाएगा, एक उसका पैर का मिट्टी और एक जो शमशान घाट तालाब या सूखा तालाब या सूखा कुआं का मिट्टी। अब इन दोनों मिट्टी को मिला देना है। मिलाने के बाद में उसको पीपल के पत्ते में एक पोटरी बना लेना है, उसको मोड़ करके। और मोड़ने के बाद में गाय का गोबर लेना है और उस गाय के गोबर के बीच में उसको रख करके काले कपड़े में बांध करके उसको किसी शमशान घाट में आपको गाड़ देना है। एक नींबू काट देना है और नींबू काट के रस को उसके ऊपर डाल देना है और बोलना है कि अमुक व्यक्ति का, जिस व्यक्ति का आप नाम जान रहे हो तो नाम उच्चारण करते हुए, या फिर नहीं जान रहे तो उसके पैर की मिट्टी जिसके भी है उसका जो है बुद्धि छीन हो जाए, हमेशा में बंद जाए। ऐसे 33 करोड़ देवी देवताओं अपने जिस इष्ट देवी देवता को आप ध्यान करते हैं उनका करते हुए उसका बुद्धि बंद हो जाए ताकि वो दूसरों को बुरा ना कर सके, शक्तियों को गलत इस्तेमाल ना कर सके। ऐसे मनोरथ करते हुए नींबू को डाल देना है, काट करके थोड़ी सी सिंदूर छिड़क देनी है और उसको कम से कम 1 फीट से 1.5 फीट गड्ढा खोद लें और उसके नीचे में डाल दें ताकि कोई उसको दोबारा ना निकाल पाए। जैसे ही उसको निकाल दिया जाएगा उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। यह क्रिया आपको शनिवार को करना है। यह हो गया पहला विधि। और दूसरा विधि में उसका पैर का मिट्टी को किसी तालाब के किनारे में आपको जो है दफनाना होगा। उस दफनाने की विधि में आपको एक मिट्टी का जो है घड़ा लेना होगा, घड़े में आपको डालना होगा, उसमें 3 चीज़ डालना होगा, 1 काली मिर्च, 2 लवंग और मिर्ची, लाल वाला मिर्ची उसको डालना होगा 3 ठो, काली मिर्च लवंग और मिर्ची, इस इनको डाल करके उसका पैर का मिट्टी इन चीज़ को डाल करके हंडी में रख करके नीचे में दबा देना, इससे भी यह कार्य होता है। दूसरा विधि है। अगर जिन व्यक्ति को पैर का मिट्टी नहीं मिल रहा हो आपको तो उस स्थिति में उस व्यक्ति का फोटो या फिर उसका नाम और उसका गोत्र और उसका जाति टाइटल ये सबको एक सफ़ेद कागज़ में लिख करके काले कलम से लिखना है। लिखने के बाद में उसको फुटकी बना लेना है और उसके बाद में डालने के बाद में उसे भी किसी तालाब के नीचे कीचड़ में या कोई नदी के नीचे उसको एक शीशी में बंद करके नीचे गाड़ दें, शीशी उल्टा करके गाड़ें और नीचे रख दें। इससे भी उसका बुद्धि और शक्ति विक्षीण होने लगती है, क्षीण होने लगती है, वो दूसरों का बुरा नहीं कर पाएगा। यह दूसरा विधि है। और उसके बाद में तीसरा विधि में मंत्र के हिसाब से करते हैं। मंत्र और उसका विधि कुछ अलग होता है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो बिल्कुल एक लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना। जय महाकाल।